हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जेएसएन लॉ 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले 22 अक्टूबर की हिस्ट्री में हम जानेंगे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। इसके बाद 23 अक्टूबर की हिस्ट्री में हम देखेंगे पेरिस पीस अग्रीमेंट्स को, जो कि हमारे नेबरहुड से रिलेटेड है और भारत भी इसमें सिग्नेटरी है। साइंस में हम जानेंगे कि स्मार्ट टेस्ट क्या होता है और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा भारत का पहला सी प्लेन। अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इट वॉज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर हेक्टर मुनरो एंड मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब थे टिल 1763। अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर की कहानी बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरू हो गई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था और नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटा दिया था। अब देखिए, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के हारने का मेन कारण ये था कि उनके जो मेन कमांडर थे मीर जाफर, वो डिफेक्ट होके ब्रिटिशर्स की तरफ चले गए थे और बाद में ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया और वो चाहते थे कि मीर जाफर एक पपेट की तरह काम करें। अब देखिए, इस समय पर यूरोप में 7 ईयर्स वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से वेरियस यूरोपियन सुपर पावर्स आमने सामने थीं। ऐसे में मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट लेने की कोशिश की, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू नेवल ऑपरेशंस। एज अ रिजल्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल ऑफ हुगली, जिसको कि हम बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ बिदेरा के नाम से भी जानते हैं, ये लड़ा गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पे से हटा दिया और उनके सन इन लॉ मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम भी ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करना नहीं चाहते थे और इसी वजह से मीर कासिम ने बैटल ऑफ बक्सर के लिए अलायंस बनाया, जिसमें हारने के बाद मीर जाफर को दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया गया इन द ईयर 1763। अब देखिए, मीर कासिम ने जो अलायंस बनाया था उसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला शामिल थे, साथ ही साथ तत्कालीन मुगल एम्परर शाह आलम भी इनको सपोर्ट कर रहे थे और काशी के राजा बलवंत सिंह भी इसी अलायंस में शामिल थे। अब देखिए, जो बक्सर है वो एक बहुत ही छोटा सा फोर्टिफाइड टाउन है, लोकेटेड इन दी वेस्ट ऑफ पटना इन बिहार। अब देखिए, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी इन द ईयर 1765 बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड दी अलायंस। अब देखिए, हमारे पड़ोस में कंबोडिया और वियतनाम के बीच में एक वॉर हुआ था, जिसके बाद पेरिस पीस अग्रीमेंट्स साइन हुए थे, जिसकी वजह से ये वॉर खत्म हो गया था। अब देखिए, भारत से अगर हम लोग ईस्ट की तरफ चलें तो हमारी पूर्वोत्तर सीमा से लगा हुआ बर्मा दिखाई देता है, इसके बाद आता है थाईलैंड और उसके बाद कंबोडिया और वियतनाम। एक समय पर ये पूरा रीजन इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस में था, जिसका पता हमको इस बात से ही चलता है कि थाईलैंड की एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसका नाम हमारे यहाँ की अयोध्या के नाम पे था, अयोध्या। इसके अलावा कंबोडिया में ही अंगकोर वॉट टेम्पल पाया जाता है, जो कि पहले के समय में एक हिंदू टेम्पल हुआ करता था। आज के समय में जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो उसमें ये पूरा रीजन आ जाता है। अब देखिए, इन अग्रीमेंट्स का फॉर्मल नाम कॉम्प्रहेंसिव कंबोडियन पीस अग्रीमेंट्स है, जो कि 23 अक्टूबर 1991 को साइन किया गया था। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देश पार्टी थे एंड इंडिया वॉज वन ऑफ देम। अब इन सारी कंट्रीज को अगर आप देखें तो आपको कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का डिवीजन दिखाई देता है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज वर लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, जबकि दूसरी तरफ वियतनाम, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज थे। भारत बीइंग अ सोशलिस्ट इन्हीं लोगों के साथ था। अब देखिए, कोल्ड वॉर के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब यूनाइटेड नेशंस की लीडरशिप के अंतर्गत किसी देश की सरकार बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ 19 कंट्रीज। अब देखिए, भारत की तरह ज्यादातर देश यहाँ पर यूएन को सपोर्ट कर रहे थे। इस समय तक कंबोडिया को डेमोक्रेटिक कैम्पुचिया कहते थे,
जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन खमेर रोग के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। वैसे तो ये दोनों ही देश कंबोडिया और वियतनाम कम्युनिस्ट विचारधारा से चल रहे थे। हाउएवर कंबोडिया ट्रेडिशनलिज्म को फॉलो करता था और खमेर रोग खुद को इंडियन कल्चर के उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि वियतनाम चाइनीज कल्चरल इम्पैक्ट के करीब था और यही मेन आइडियोलॉजिकल रीजन था बिहाइंड दी कंबोडियन एंड वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट। वियतनाम की बात करें तो यूएसए को वियतनाम वॉर में हराने के बाद देवर प्रेटी कॉन्फिडेंट और इसी वजह से इन्होंने कंबोडिया पे हमला कर दिया और करीबन 10 साल तक वियतनाम ने कंबोडिया पे शासन किया। इस पूरे 10 साल के दौरान वियतनाम पे काफी सारे सैंक्शंस लगे थे और जैसे आज नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से कट गया है, वैसे ही एक समय पर वियतनाम भी पूरी दुनिया से कट गया था। ये वही दौर था जब इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था और इराक के ऊपर भी सिमिलर सैंक्शंस लगाए गए थे। हाल ही में भारत ने अपने स्मार्ट सिस्टम का टेस्ट किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंस रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। ये एक फ्लाइट टेस्ट था, यानी कि इसमें सिर्फ ये देखा गया था कि क्या स्मार्ट टॉर्पीडो उड़ान भर सकते हैं। सवाल बनता है कि टॉर्पीडोज क्या होते हैं, तो देखिए दे आर सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स जो कि पानी के नीचे किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। हाउएवर इनकी रेंज लिमिटेड होती है क्योंकि जाहिर सी बात है कि पानी हवा से ज्यादा डेंस होता है, ऐसे में किसी भी मिसाइल को ट्रैवल करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। स्मार्ट सिस्टम की बात करें तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसकी मिसाइल्स साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करती हैं। अब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में काफी सारे चेंजेस किए गए थे फॉर एनहांसिंग इट्स रेंज। अब देखिए स्मार्ट सिस्टम टॉर्पीडो मिसाइल्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्च प्लेटफॉर्म, यानी कि ये मिसाइल्स सबमरीन्स के अलावा शिप्स से भी लॉन्च की जा सकती हैं। अब देखिए इस काम में डीआरडीओ की काफी सारी लैब्स इन्वॉल्व थी, एक एक करके इनका नाम देख लेते हैं। पहले तो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा हैदराबाद में ही स्थित रिसर्च सेंटर इमारत, साथ ही साथ आगरा में स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी इस प्रोग्राम में शामिल था। एंड लास्टली नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। अब देखिए ये टेस्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखिए सबसे पहली बात तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी में अब भारत को काफी सारे देशों के मुकाबले एक अपर हैंड है। ये टेस्ट ऐसे समय पर किया गया है जबकि चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भारतीय नेवी ने एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी और बनाई थी जिसका नाम था मरीच, जो कि एक एडवांस टॉर्पिटो डिकॉय सिस्टम है। ये सिस्टम शिप्स को टॉर्पिटो अटैक्स से बचाता है और ये किसी भी वॉरशिप से लॉन्च किया जा सकता है। अब देखिए भारत के लिए ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव सिस्टम्स बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत चाइना की ही तरह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है इन रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि भारत और चाइना ही ऐसे देश हैं जिनका मानना है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो इंडिया और चाइना न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने की जरूरत है और इसी श्रृंखला में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक तो एंटी सबमरीन सिस्टम्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर। अब देखिए हमारी संसद में इसके बारे में भी सवाल पूछा गया था, लेकिन उस समय पर तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसके विषय में कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। इसको हम फेमसली काली 5000 और काली 10000 के नाम से जानते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू स्पेशल लेजर्स टारगेट किए जाते हैं ऑन एनी मिसाइल और कोई भी इनकमिंग मिसाइल इसके लेजर की वजह से डैमेज होके उसी जगह पे गिर जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें आने वाले समय में न्यूक्लियर अटैक्स से बचाएगी, सेम एज एंटी सबमरीन सिस्टम्स, क्योंकि आजकल ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि सबमरीन्स से लॉन्च हो सकते हैं। ऐसी ही एक सबमरीन भारत ने भी बनाई है जिसका नाम है अरिहंत, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए हैं। अब देखिए इसी महीने की 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस होगा और
इस उपलक्ष में गुजरात से भारत का पहला सी प्लेन शुरू किया जाएगा। ये सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद में स्थित साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी और फिलहाल इसको स्पाइस जेट एयरलाइंस ऑपरेट करेगा। अब देखिये, सी प्लेन टेक्नोलॉजी भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारी वाटर बॉडीज हैं, स्पेशली रिवर्स। ऐसे में कनेक्टिविटी के परिप्रेक्ष में देखा जाए तो भारत ने अपने रिवर नेटवर्क्स को एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। और देखिए, बात ये भी है कि वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप सोर्स है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस गुड्स अक्रॉस रीजन्स। ऐसे में सी प्लेन ऑपरेशंस आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बात करें सी प्लेन्स की तो ये पानी और जमीन दोनों पे ही लैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस के अलावा टूरिज्म को भी बढ़ोतरी मिलेगी। अब देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट अनएक्सप्लोर्ड एरिया होने की वजह से बहुत ही कम ट्रैफिक एक्सपीरियंस करता है। एज अ रिजल्ट, ये एक हैसल फ्री ट्रैवल ऑप्शन होगा फॉर मेनी फार फ्लेश्ड एरियाज ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल हिली रीजन्स या फिर ट्रेचरस माउंटेन्स। अब देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहले तो सी प्लेन्स को हम वाटर एयरड्रोम में काउंट करते हैं और ये लिस्टेड एक्टिविटी नहीं है अंडर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। मतलब कि सी प्लेन्स का क्या एनवायरमेंटल इंपैक्ट होगा, इसको पता लगाने का कोई भी लीगल मैकेनिज्म नहीं है। हाउएवर, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सी प्लेन का एनवायरमेंटल इंपैक्ट एयरपोर्ट जैसा ही होगा। दिक्कत इस बात की भी है कि ये जो प्रोजेक्ट साइट है इसके मात्र 2 किलोमीटर दूर शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ऐसे में हम लोग एक सेंसिटिव एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज को बढ़ावा देंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट का रेगुलेशन इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी थ्रू सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सागरमाला वही प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत के जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनको जोड़ने की बात की गई है थ्रू वेरियस ट्रांसपोर्टेशन मेजर्स। और ये दोनों ही संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भी इस प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में शामिल होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवीजन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।